हेलो गाइस, आप लोग का स्वागत है मेरे इस चैनल प्रदीप गिल 80 ब्लॉग, जो कि आज मैं सुबह का आरंभ कर रहा हूं, जो कि मेरे वीडियो में बने हो और मैं आप लोग को कुछ दिखाना चाहता हूं। मेरे वीडियो में बने हो, अंत तक बने रहना, तब तक मिलते हैं लास्ट में, बाय बाय। सब्जी बना दिया हूं, जो कि आलू मटर का है और ये मेरा चावल बन गया है। मेरा सुबह ये सिलेंडर था वो ख़त्म हो गया था, तो एक सिलेंडर ये है, तो वो वाला सिलेंडर ख़त्म हो गया था, इसमें मैं भरवाया था गैस, तो इसको लगा दिया और आटा सान दिया हूँ रोटी को। ड्यूटी काम पे जाना है ना, ये देखो वो कवर नहीं रहा था, पाइप उसका टाइट हो गया था ठंडी की वजह से। अभी सुबह के देख रहे हो, अभी सुबह के 7:03 हो रहा है, लेकिन मैं 6 बजे ही जाग गया था। ये देखो पिलास से कब आ रहा, पिलास कट गया, तो रोटी बनाते हैं, मेरे साथ बने रहे। चेंज कर रहा था तो क्या हुआ था कि ये जब मैं प्लास से उसको देख के खींचा ना, तो वो प्लास से टूट गया, कवर नहीं रहा था। मैं सोचा कि टूट गया लेकिन बच गया। वो ये काट के कवार के देखो, ये काट भी दिया हूँ, उसको काट के मैं लगा दिया हूँ, अभी तो चल रहा है। वो दूसरा था ये वाला, ये आटा आज मेरा बहुत गीला हो गया, ये देखो तवा रख दिया हूँ, अब ये रोटी मारने वाला हूँ, बेलने वाला हूँ, जो कि अब इसको आटा निकालते हैं थोड़ा। ये पड़ा पिलास, हम लोग का डेली का यही काम होता है कि खाना बनाओ, खाओ पियो, फिर ड्यूटी जाओ। काम करने को इच्छा नहीं करता लेकिन काम करना पड़ता है, पैसे का खेल है। देखो मेरा रोटी तैयार, देखो अब उसको ताप देते, ये देखो रोटी, एक साइड का मेरा मोबाइल के चक्कर में एक साइड का रोटी जल गया, अभी इसको पकाते हैं। ऐसे बार बार देखना पड़ता है कि जले ना रोटी, अगर ज़्यादा गर्म भी हो जाएगा तो रोटी जल जाएगा। जो पहली रोटी होती है वो तो जल ही जाता है। मैं पहले ही हाथ लगाया होता तो मेरी रोटी नहीं जली होती, मैं मोबाइल के चक्कर में मैं भूल गया था। अगर पहले ही इस पेट जो पहला राउंड होता है वो अगर सही से पक जाए, बढ़िया से, हल्का थोड़ा कच्चा रहे ना, तो फूल जाएगी रोटी बहुत अच्छी तरह से। देखो बीच में फूला ही नहीं, बीच में वैसे ही रह गया। अब ट्राई करते हैं दूसरी बार, देखते हैं, अभी इसको साइड करते हैं, ऐसे गोल कर लेते हैं, फिर इसके बाद ऐसे 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 ऐसे। ये देखो इस बार रोटी में बहुत ज्यादा ध्यान दिया,
हाथ जल गया, ये देखो लाल लाल हो गया हाथ पूरा। सुबह का टाइम है, ठंडी की वजह से थोड़ा हाथ में सर्द जैसा लग जाता है, लेकिन ठंडी में ठीक लगता है, रोटी सेकने में ठंडा नहीं लगता है। अभी इसको फुलाते हैं। देखो देखो पूरा फूल गई रोटी, देखो देखो फूलते जा रही है। तो गाइस आप लोग देखे, हम लोग का यही स्थिति है, यही चलता है। सुबह खाना बनाओ और रात 12 बजे तक, अरे 8 बजे तक काम करो, उसके बाद आओ फिर खाओ पियो सो जाओ, फिर वैसे ही सुबह फिर जाके काम करना पड़ता है। तो हम लोग का लाइफ तो यही में चलता है, जब हम लोग का घूमने का एंजॉय करने का लाइफ है तब तक हम लोग काम कर रहे हैं, और जब लाइफ ख़त्म हो जाएगा तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो ऐसे पहले ज़िंदगी जियो, उसके बाद कोई काम करो तो करो, जब तक है ज़िंदगी जियो। पापा भी हैं तो जानते हो कि जो लिमिट हिसाब से घर परिवार रहता है ना, तो वो ऐसा करना पड़ता है। और पापा या मम्मी को कोई को जिम्मेवारी नहीं देंगे, हाँ ज़रूरत होता है तो करना पड़ता है। तो वीडियो बने रहे, अब चलते हैं अब मेन लोकेशन पे, जहाँ पे मेरे को बहुत अच्छा लगता है ब्लॉग, जो कि मैं आप लोग को दिखाता हूँ मैं कहाँ पे क्या करता हूँ, क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ, ये सारा मैं आप लोग को दिखाऊँगा। और मेरे से मोटिवेट होना कि मैं इतनी उम्र में क्या क्या, ये जितना भी आप टीवी मोबाइल जो भी देख रहे हो, ये मैं खुद का कमाई से, अपनी खुद की कमाई से ही बनाया हूँ, खरीदा हूँ। और जो वीवो वाला लिया था उसका तो अभी किस्त ही चटा है, किस्त पे लिया था, तो समझ ही रहे हो 4-4.5 हज़ार रुपया महीने का किस्त मेरे को करना पड़ता है, वो भी 7 महीने का, जो कि शुरुआती में मैं इसका दिया डाउन पेमेंट दिया था 6,500 रुपया, तो अब समझ लो जोड़ लो 7 महीने का कितना हुआ। तो टीवी भी लिया था तो अपने ही पैसा का लिया था, वो भी किस्त पे लिया था, पहली मोबाइल लिया था वो भी किस्त पे लिया था, उसका तो फाइनल हो गया है। तो बने रहे मेरे वीडियो में। फाइनली मेरा सब्जी बन गया, चावल बन गया, रोटी बन गया, जो ड्यूटी के लिए रोटी हो गया, अभी के खाने के लिए चावल हो गया, रेडी हो गया मेरा। हेलो गाइस, लेकिन एक मैं आप लोग को दिल का बात बताना चाहता हूँ, एक टीवी मोबाइल जो भी कुछ है मैं खरीद के बनाया हूँ अपने तैयार में, अगर 12 घंटा काम करता हूँ तो मेरे को 15,000 रुपया मिलता है महीने का, 15,000 रुपया मिलता है। तो 15,000 में रूम भाड़ा किराया हो रहा है सब लेके मेरे को 10,000 रुपया बचता है, उसमें घर और ये, तो यानी कि मान लो कि 5,000 मेरे टीवी मोबाइल में चला जाता है और बाकी 5,000 बचता है तो मैं घर देता हूँ। तो ऐसे में चलता हूँ, लेकिन एक सलाह मैं देना चाहता हूँ कि अगर कोई भी लड़का मेरे उम्र का, मेरा उम्र कम से कम 19-20 साल हो रहा है, तो अगर कोई भी बाहर आना हो तो न आए, पढ़ रहा है तो पढ़ाई करे, या कोई काम सीखना चाहता है या कोई जॉब बढ़िया करना चाहता है वो काम करे, बाहर आने का कोई लोड ही नहीं है। जो बाहर आएगा तो समझ लो फंस गया जिंदगी भर के लिए, कुछ नहीं कर पाएगा। मैं ही देख लो, हाँ एक है कि YouTube का जरिया है या सोशल मीडिया का जरिया है, तो मैं सोचता हूँ कि अगर हो जाऊँगा तो ठीक है, नहीं हो पाऊँगा तो भी ये काम मैं कर रहा हूँ तो करूँगा। लेकिन एक सलाह मैं देता हूँ कि ऐसे जो काम कर रहा है, जो पढ़ रहा है, वो दिल लगा के पढ़े, आगे के बारे में सोचे, नहीं तो अगर वो बाहर किसी के चक्कर में, लड़के के चक्कर में अगर वो बाहर गया तो समझ लो वो फिर दिक्कत है, वो सोचेगा कि ये बहुत बढ़िया कपड़ा पहन रहा है, जूता पहन रहा है, मोबाइल लिया है, ये किया है वो किया है, इसके चक्कर में पड़ेगा तो पूरा लाइफ बर्बाद हो जाएगा। जैसे मैं अपने इस समय के डेट में सोच रहा हूँ ना, लाइफ बर्बाद है, पूरी तरह से लाइफ बर्बाद है। अगर अभी मेरा 15,000 रुपया हो रहा है तो कुछ नहीं हो रहा है, अगर समय के अनुसार अगर 20,000 रुपया हो जाए ना तो भी घर परिवार कुछ नहीं चलेगा। अगर घर परिवार चल भी गया तो अगर किसी का तबीयत खराब हो गया ना या शादी ब्याह, तो वो नहीं हो पाएगा, किसी से कर्जा ही लेके ही काम करना पड़ेगा। तो इससे बढ़िया है आप लोग घर पे ही रहो, कुछ नॉलेज बढ़ाओ, कुछ देखने के लिए, आगे सोचने के लिए और कुछ करने के लिए,
कि मेरा इनकम कम से कम ना 50,000 रुपया होना चाहिए। तो ऐसे ही ये सब नहीं होता है। बाहर आने का ये नहीं है कि बाहर जाऊंगा तो ये करूंगा वो करूंगा, करने में पता चल जाए, जहाँ 12 घंटा एक ही जगह पे रह के एक ही काम करना पड़ता है तो दिमाग का हालत पंचर हो जाता है और उसे मन भी हिचक जाता है, कभी कभी तो नींद भी आ जाता है लेकिन सोना नहीं है, काम तो करना है। हाँ, लेकिन एक सवाल बोलते हैं ये सब कि मेरे को काम प्यारा है, तुम्हारा चाम प्यारा नहीं है। तो अब इसी से आप अकड़ा लगा लो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो मेरे वीडियो में बने हो तो ये वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लगा हो, आप लोग को सहायता मिला हो तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सो बाय। हाँ, लेकिन एक सेकेंड, अपने लाइफ के बारे में और अपने ज़िंदगी के बारे में ज़रूर सोचना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।